आज हम मशीन ट्रांसलेशन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, मतलब मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, और ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ हिंदी इस लैंग्वेज में लिखी हुई है, और इस टेक्स्ट को मैं कहता हूँ सोर्स टेक्स्ट, और इस सोर्स टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है इंटू अ टेक्स्ट जो इंग्लिश इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इस टेक्स्ट को मैं कहूँगा टारगेट टेक्स्ट। अब मशीन ट्रांसलेशन एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और सोर्स टेक्स्ट जब टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तब वो कन्वर्ट तो हो जाएगा बट दोनों का जो मीनिंग है वो सेम रहेगा। और मशीन ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेटर। अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और इसके और 3-4 पॉइंट समझते हैं। अब ये हमारा गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर हिंदी इस लैंग्वेज में नमस्कार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को मैं कहूंगा सोर्स टेक्स्ट, और अब इस सोर्स टेक्स्ट को मुझे टारगेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड ये जो टारगेट टेक्स्ट है मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी लिखा गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हो। तो गूगल ट्रांसलेटर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें समझने की जरूरत है, और उन 3 चीजों में से सबसे पहली चीज ये है कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रकार का ह्यूमन इंटरप्शन बीच में नहीं होता। क्या तुमने इस प्रोसेस के बीच में मुझे बीच में इंटरफियर करते हुए देखा है? एंड द आंसर इज नो। बीच में मैंने कोई भी प्रकार की हरकत नहीं की, राइट? सो देयर इज नो ह्यूमन इंटरप्शन इन बिटवीन। दूसरा पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो आउटपुट है उसका मीनिंग और जो इनपुट है उसका मीनिंग सेम होता है और होना भी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो नमस्कार मैंने इनपुट दिया है और ये जो आउटपुट निकला है हेलो इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इन हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों का भी मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज चूज किया था, राइट? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सोर्स टेक्स्ट हमेशा हिंदी लैंग्वेज में ही होना चाहिए, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को वो ट्रांसलेटर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो गूगल ट्रांसलेटर है वो इतने सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक लैंग्वेज हम पिक करते हैं, मराठी लैंग्वेज पिक करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज पिक करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पिक करते हैं, ओके। यहाँ पे भी जो हमारा टारगेट टेक्स्ट है जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। बट जरूरी बात यह है कि उस लैंग्वेज को उस ट्रांसलेटर को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ शुभ प्रभात, तो शुभ प्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, ओके। और शुभ प्रभात जो यहाँ पे मेरा सोर्स टेक्स्ट है गूगल ट्रांसलेटर ने उसको टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है जो कि हिंदी इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर शुभ प्रभात को हिंदी में अगर तुम्हें बोलना है तो सुप्रभात बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस हमारे वीडियो के ऊपर जंप करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं तुम लोग को सबसे पहले बताता हूं कि ये डायग्राम किस चीज के बारे में। देखो मशीन ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट? अब ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों के बारे में डायग्राम है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चीप तरीका आई वुड से इज डायरेक्ट ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर सपोज सोर्स टेक्स्ट है कुछ लिखा गया है तो उसे डायरेक्टली हम टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उस टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स है उनका लिटरली डिक्शनरी मीनिंग उस टारगेट टेक्स्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसा किया तो दैट इज नॉट राइट। किसी भी टेक्स्ट को बस एक लैंग्वेज से लिटरली दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से हम एक प्रॉपर ट्रांसलेशन अचीव नहीं कर पाएंगे, और ये तुम सब लोगों को भी पता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसफर को एक चीप तरीका कहता हूँ। दूसरा तरीका इज
सिंटैक्टिक ट्रांसफर। अब सिंटैक्टिक ट्रांसफर जो तरीका है, ये तरीका डायरेक्ट ट्रांसफर इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीका है, मतलब ये तरीका नेक्स्ट लेवल का तरीका है। ओके, ऐसा इसीलिए क्योंकि सिंटैक्टिक ट्रांसफर इस तरीके के अंदर हम सिंटैक्टिक लेवल पे जाके चीजें करता है, और इस तरीके से भी ज्यादा बेटर एक तरीका है विच इज सिमेंटिक ट्रांसफर। अब इस सिमेंटिक ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, सिमेंटिक ट्रांसफर के अंदर जो सोर्स टेक्स्ट है उसे एनालाइज किया जाता है, उसके कुछ पार्ट्स के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसफर या कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और सिमेंटिक ट्रांसफर से भी ज्यादा बेटर तरीका है सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, विच इज इंटरलिंगुअल ट्रांसफर। ये जो तरीका है ये अल्टीमेट ऑफ द अल्टीमेट तरीका है, इससे ऊपर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरीके के अंदर सोर्स टेक्स्ट का टारगेट टेक्स्ट के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है वो ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट होता है एज कंपेयर टू ऑल दिस थ्री तरीके। ओके, अब और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, स्टेटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन एंड रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, एंड लास्ट इज न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। अब वैसे तो इन चारों के चारों टॉपिक्स के बारे में मैंने नोट्स में लिखा है ताकि अगर एग्जाम में कुछ इनके बारे में पूछा जाता है तो फिर भी आप लिख के वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बट स्टिल अगर आपको ऐसे लगता है कि आएगा एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चंस, और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, या एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं चारों के चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की ज़रूरत है, तो उतना जल्दी मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय।